हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिलेक्शन सॉर्ट प्रोसेस को कंप्लीट एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था, जिसमें हमने सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिदम और उसके कंप्लीट स्टेप्स को समझा था कि कैसे स्टेप टू स्टेप आपका पूरा अनसॉर्टेड लिस्ट सॉर्ट होता है सिलेक्शन सॉर्ट की मदद से। उसी कंटिन्यूएशन में आज हम सिलेक्शन सॉर्ट के प्रोग्राम को पाइथन में टाइप करके देखेंगे और उसे रन करा के चेक करेंगे कि वो कैसे किसी अनसॉर्टेड लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर अगर आपने मेरा वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है सिलेक्शन सॉर्ट से रिलेटेड, तो उसको आप ज़रूर देख लें ताकि आपको इस वीडियो में सिलेक्शन सॉर्ट के प्रोग्राम को समझने में आसानी रहे और आसानी से आप उसको समझ सकें। और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्रोग्राम ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। प्रोग्राम को टाइप करने के लिए मैं सबसे पहले पाइथन आइडियली ओपन कर लूँगा। ओके, आई हैव ओपन पाइथन आइडियली हियर और यहाँ एक नई फाइल चूज़ कर लेते हैं जिसमें मैं अपने पाइथन के कोड को टाइप करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक लिस्ट चाहिए जिसको मैं शॉर्ट करूँगा। तो मैं लिस्ट के आइटम्स इंसर्ट कर देता हूँ, 12, 5, 17, 37, 18, 2। तो ये 6 एलिमेंट मैंने एक लिस्ट में इंसर्ट कर दिए हैं। यहाँ पर लिस्ट को प्रिंट भी कर देते हैं। नाउ अब हमें इसको लिस्ट को इटरेट कराना है और लोएस्ट नंबर हर इटरेशन में फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, ये जो फॉर लूप होगा इट विल यूज़ फॉर फाइंडिंग द लोएस्ट नंबर इन ईच इटरेशन। ठीक है, हमें कितने टाइम भी इटरेट करना पड़ेगा और हर इटरेशन में हमें क्या मिलेगा, एक लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो उसके लिए मैं एक फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज। इसकी रेंज में यूज करूँगा लेंथ ऑफ लिस्ट, लेंथ ऑफ लिस्ट -1 तक। ओके, बिकॉज ऐसा क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन में मुझे स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, सेकेंड इटरेशन में सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, थर्ड इटरेशन में थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, फोर्थ इटरेशन में फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर एंड फिफ्थ इटरेशन में फिफ्थ स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। और जो सिक्स स्मॉलेस्ट जो सिक्स नंबर है ऑब्वियसली वो इन सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, तो वो अपने प्लेस पर खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, अगर मेरे लिस्ट में 6 एलिमेंट हैं तो उसको कितने टाइम इटरेट कराना पड़ रहा है, 5 टाइम इटरेट कराना पड़ रहा है ताकि वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। तो इसीलिए मैंने इसकी रेंज जो सेलेक्ट की वो क्या की, उसकी लेंथ जो है लिस्ट की लेंथ है उससे 1 कम तक इसको रन किया। ठीक है, रेंज को सेलेक्ट किया। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप मेरा होता है कि जो आउटर फॉर लूप है ये तो इसको पूरा प्रोसेस को इटरेट कराने में मदद करता है ताकि मैं हर इटरेशन में मुझे एक स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाए। अब नेक्स्ट है कि मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको मिनिमम वैल्यू असाइन करना है, क्योंकि मैंने इसकी प्रोसेस में आपको बताया था कि हम क्या करते हैं कि जो उस लिस्ट की जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको हम मिनिमम वैल्यू मान लेते हैं और बाकी सारी वैल्यूज से फिर उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो अभी मिनिमम है। ठीक है, तो मैंने एक मिन वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर आई इंडेक्स को स्टोर कर लिया है। ठीक, अब मुझे इसको कंपेयर करना है बाकी सारी लिस्ट की बाकी सारी वैल्यूज से। ओके, तो बाकी सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर को मूव कराना पड़ेगा। तो आई नीड अ फॉर लूप ऑल्सो, मुझे यहाँ पर भी एक क्या चाहिए, फॉर लूप चाहिए। और उस फॉर लूप को मैं यूज़ करूँगा कहाँ तक, उसके लास्ट इंडेक्स तक। ओके, तो उसका रेंज होगा फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो क्योंकि मुझे वो लास्ट इंडेक्स तक वो पूरा प्रोसेस करना है लूप का। ओके, तो ये इनर फॉर लूप मैंने लेंथ ऑफ लिस्ट तक यूज़ कर लिया रेंजेस में। ओके, नाउ अब कंपेरिजन स्टार्ट करना है। तो कंपेरिजन के लिए मैं इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ। अब मैं कंपेयर कर लेता हूँ लिस्ट ऑफ जे, दैट मीन्स एक और चीज़, सॉरी
यहाँ पर थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गई है। इससे पहले मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान और देना है कि ये लेंथ ऑफ लिस्ट तक तो चलेगा ही चलेगा जे वाला लूप, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होगा? ये स्टार्ट जीरो से नहीं स्टार्ट होकर के इसको मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा कहाँ से? अगले एलिमेंट से, क्योंकि जीरो जो एलिमेंट है उसको तो मैंने क्या मान लिया, मिनिमम मान लिया है, तो उसको वो उससे कंपेयर करूँगा बाकी सारे एलिमेंट को। तो जो ये लूप मेरा स्टार्ट होगा इनर लूप वो नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा, तो मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करूँगा आई प्लस वन से। ठीक है, जीरो से नहीं स्टार्ट करूँगा बल्कि आई प्लस वन से स्टार्ट करूँगा और लेंथ ऑफ लिस्ट तक ये पूरा कंट्रोलर मेरा रन होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा समझना था। अब नाउ आई विल कंपेयर द लिस्ट ऑफ इफ एंड लिस्ट ऑफ जे, लिस्ट ऑफ जे इज लेस देन ओके लिस्ट ऑफ मिनिमम। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि जो जे के अंदर फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट इंडेक्स होगा, तो लिस्ट ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, लिस्ट ऑफ फर्स्ट इंडेक्स का मतलब 5। ठीक है, इज लेस देन लिस्ट ऑफ मिन, लिस्ट ऑफ मिन मतलब जीरो इंडेक्स पे अभी 12 है, तो 5 इज लेस देन मिन, कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है, तो इस केस में कंडीशन ट्रू हो रही है, तो क्या कर दें इनको, आप मिनिमम वैल्यू को किसको मान ले हो? इस इंडेक्स पे जो 5 जिस इंडेक्स पे स्टोर्ड है उस इंडेक्स को मिनिमम के अंदर स्टोर कर दे, तो मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा जे आपका। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा और जहाँ पर भी इसको मिनिमम वैल्यू मिलेगी इस जो हमने इंडेक्स पे हमने स्टोर कर रखी पहले मिनिमम वैल्यू से छोटी कोई वैल्यू मिलेगी उस इंडेक्स को ये जी के अंदर मिनिमम के अंदर स्टोर कर देगा। ओके, तो फिर नेक्स्ट केस में वो 17 कंपेयर होगा, क्योंकि अब मिनिमम वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी 5 हो चुकी है, तो नेक्स्ट केस में 17 कंपेयर होगा 5 से, तो कोई चेंजेस नहीं होगा मिनिमम की वैल्यू में। नेक्स्ट केस में 37 कंपेयर होगा 5 से, कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट केस में 18 कंपेयर होगा 5 से, तो मिनिमम की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट केस में 2 कंपेयर होगा 5 से, तो क्या हो जाएगा आपका 2 इज़ लेस देन 5, तो यहाँ पर आपका मिन का इंडेक्स जो है वो चेंज हो जाएगा, मिन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसमें इंडेक्स हो जाएगा कौन सा? 2 का इंडेक्स, 2 का इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो मिन के अंदर आपका स्टोर हो जाएगा 5 इंडेक्स। ओके, तो आपका एक इटरेशन कंप्लीट हो चुका है, तो एक इटरेशन कंप्लीट होने के बाद आपको मिन जो वैल्यू है वो किस इंडेक्स पे स्टोर है वो मिल गया है। ठीक है, वो 5 इंडेक्स पे स्टोर है मिनिमम वैल्यू जो 2 है आपका। ठीक, आप नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपको, जब आपका मिनिमम वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है तो इसको क्या कर देना है, स्वैप कर देना है किस वैल्यू से, स्टार्टिंग वैल्यू से, मतलब दैट मीन्स जीरो इंडेक्स। अगर फर्स्ट केस की बात करूँ तो जीरो इंडेक्स से इसको क्या कर देना है, स्वैप कर देना है आपस में, जीरो इंडेक्स की वैल्यू को मिनिमम लास्ट पर पहुँचा देना है जहाँ पर वो आपका मिनिमम वैल्यू मुझे फाइंड हुई थी, और मिनिमम वैल्यू को लेके आना है फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब सॉरी जीरो इंडेक्स पे आपके प्रोग्राम के। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पर स्वैपिंग कर लेता हूँ, लिस्ट ऑफ आई ये रिप्रेजेंट करेगा जीरो इंडेक्स को, लिस्ट ऑफ आई, लिस्ट ऑफ जीरो कॉमा लिस्ट ऑफ मिन इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ मिन कॉमा लिस्ट ऑफ आई। ओके, तो ये पाइथन में स्वैपिंग का तरीका है कि कैसे एलिमेंट आपके आपस में क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये स्वैपिंग कंप्लीट हो गई है। अब नाउ मैं फाइनल, क्योंकि मेरा आउटर लूप भी चल रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट केस के लिए वर्क हो गया, ठीक है, फिर सेकंड केस के लिए ऐसे ही नेक्स्ट इटरेशन के लिए वर्क करेगा, तो ये कितने इटरेशन में कंप्लीट होना है? 5 इटरेशन में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना है। ठीक है, अब फाइनली मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँगा आपका शॉर्टेड लिस्ट को। ओके, तो इस तरह से ये कंप्लीट प्रोग्राम मेरा बन चुका है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। ओके, देन रन इट, तो आप देखेंगे कि आपका ये अनशॉर्टेड लिस्ट था ऊपर, और नीचे वाली लिस्ट क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो ये इस ढंग से मैंने प्रोग्राम बनाया है आपका सिलेक्शन सॉर्ट का। अब आप चाह रहे हैं कि हर इटरेशन को शो भी करना चाह रहे हैं कि हर इटरेशन में कितने इटरेशन में कंप्लीट हुआ, तो एक आप प्रिंट स्टेटमेंट इसके बाद यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जब आपने स्वैपिंग कर दी है उसके बाद आप प्रिंट कर देंगे लिस्ट को। ठीक है,
इसके बाद प्रिंट कर देंगे और एक इसके बाद एक और प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर दे देंगे ताकि थोड़ा गैप आपको मिल जाए। ठीक, अब आप इसे रन कराएंगे दोबारा तो आप देखेंगे कि ये है, ये कितने इटरेशन में कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट इटरेशन ये हो गया, फर्स्ट इटरेशन में आपको 2 मिल गया, सेकंड इटरेशन में आपको 5 मिल गया, थर्ड इटरेशन में 12, फोर्थ इटरेशन में 17 और फिफ्थ इटरेशन में 18 मिल गया और 37 अपने प्लेस पे खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। तो 5 इटरेशन में कंप्लीट हुआ ये पूरा प्रोसेस और उसके बाद आपको शॉर्टेड लिस्ट मिल चुकी है। तो इस ढंग से आपका ये वर्क हो रहा है सिलेक्शन सॉर्ट में। ये तो था असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इसी लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चेंजेस हैं वो मैंने प्रोसेस में आपको समझाया था। केवल क्या करना है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट को हम अभी तक मिनिमम एलिमेंट मान रहे थे तो अब इसको मैक्सिमम एलिमेंट मान लेते हैं। तो मेन को जहाँ जहाँ मेन है वहाँ मैं मैक्स एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, मैक्स मैंने वेरिएबल है ले लिया है, जहाँ भी मेन मैंने इस प्रोग्राम में लिखा है वहाँ पर मैं मैक्स चेंज कर देता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेज और हो सकते हैं इसमें। ठीक है, मैक्स ओके। अब क्योंकि मुझे मैक्स वैल्यू को कंपेयर करना है, अब मैं कंपेयर करूंगा कि जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि मैंने इस वाले एलिमेंट को 12 को क्या मान लिया, ये मैक्सिमम एलिमेंट है इस लिस्ट में, 12 को मान लिया कि ये मैक्सिमम एलिमेंट है। तो अब 5 को कंपेयर करूंगा, इससे बड़ा तो नहीं है क्योंकि अभी तक मैं स्मॉलर चेक कर रहा था, अब मैं कंप्लीट इसकी जगह यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर। अगर ये 5 जो है 12 से ग्रेटर है तो मैक्स उसको बना देंगे, मैक्स एलिमेंट फिर 5 को मान ले, फिर आगे कंपेयर होगा, फिर 17 अगर उससे बड़ा है तो 17 को मैक्स बना दे। तो इस ढंग से पूरा प्रोसेस जैसे आपका असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा था कि वो मिनिमम वैल्यू को चेक कर रहा था, यहाँ वो मैक्सिमम वैल्यू को चेक करेगा। ओके, बस और क्या चेंजेस हुआ, केवल मिन की जगह मैंने मैक्स वेरिएबल ले लिया है और जहाँ जहाँ मिन यूज़ कर रहा था मैं वहाँ मैक्स यूज़ कर दिया है। ठीक है, कंपेरिजन बिल्कुल प्रोसेस पूरा वही चलेगा। ठीक, जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा कहने का मतलब, अभी मैं स्मॉलर फाइंड कर रहा था आपका असेंडिंग ऑर्डर में, अब यहाँ बिगर वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। ओके, देन रन इट, तो आप देखोगे कि ये जो आपका शॉर्ट हो गया है पूरा प्रोग्राम, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दिया है उसने। ठीक है, तो फर्स्ट इटरेशन में आपको सबसे बिगेस्ट वैल्यू मिली, सेकंड इटरेशन में सेकंड बिगेस्ट वैल्यू मिली, थर्ड इटरेशन में थर्ड बिगेस्ट वैल्यू मिली, फोर्थ इटरेशन में फोर्थ बिगेस्ट वैल्यू मिली। ओके, तो अब हमें ये समझना है कि ये कैसे इसने कंप्लीट वर्क किया। तो इसमें जब हमें फर्स्ट इटरेशन में, अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात करूं, तो फर्स्ट इटरेशन में हमें जो वैल्यू मिली वो 2 है। ठीक है, 2 मिली, तो अब मैं मान लूंगा कि ये 2 क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। तो अब मेरा जो प्रोसेस चलेगा वो आगे को इस वाले लिस्ट में चलेगा, अनशॉर्टेड लिस्ट में। ठीक है, अब मेरा अनशॉर्टेड लिस्ट ये बचा है। ठीक है, सेकंड इटरेशन के बाद मुझे मेरी शॉर्टेड लिस्ट में एक और एलिमेंट आ गया 5, तो अब 2 और 5 क्या हो गए, मेरी शॉर्टेड लिस्ट हो गई। अब अनशॉर्टेड लिस्ट मेरी बची 17 37 18 12। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट इटरेशन में 12 भी मुझे शॉर्टेड पार्ट में मिल गया। ठीक है, तो मेरा आपका जो लिस्ट बची है वो 37 18 और 17। तो इन तीनों में कंपेरिजन करना है, नेक्स्ट इटरेशन में केवल इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो इस ढंग से आपका एक पूरा प्रोसेस चलेगा। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट एलिमेंट को मिनिमम एलिमेंट माना, अगर हम असेंडिंग की बात करता हूँ तो, और फिर उसको बाकी सारे एलिमेंट से क्या करा, कंपेयर करा, और फर्स्ट इटरेशन के बाद मुझे एक शॉर्टेड एलिमेंट मिल गया मिनिमम एलिमेंट, अब मुझे उसे कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा कि जो आपकी लिस्ट चलेगी वो उसके नेक्स्ट एलिमेंट से चलेगी, जो मिनिमम एलिमेंट मुझे फाइंड हुआ था। ठीक, इस ढंग से ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा कि कैसे आपका सिलेक्शन सॉर्ट का पूरा प्रोसेस चल रहा है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आप इसको पुराने उसको देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि दोबारा से एग्जांपल को कि कैसे वर्क कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा पावर पॉइंट की मदद से आपको फिर से दिखा देता हूँ उस प्रोसेस को जो प्रोसेस हमने किया था। तो उसमें हम देख रहे हैं कि यही लिस्ट है जिस लिस्ट को मैंने अभी प्रोग्राम में बनाया था, तो इसमें हमने मिनिमम एलिमेंट माना था 12 को। ठीक है, 0 इंडेक्स पे, ठीक, उसको कंपेयर किया था, फिर अगले एलिमेंट्स को मैं कंपेयर कर रहा हूँ 12 से। ठीक, 12 से कंपेयर किया 5 को, तो 5 लेस देन 12 है, तो मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो गई, यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो गई है। फिर उसके बाद अब मैं 5 को कंपेयर करूँगा नेक्स्ट एलिमेंट से, 17 से 37 से 18 से और 2 से, जब 2 से कंपेयर करूँगा तो
बाकी सारे में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन टू से जब कंपेयर करूँगा तो टू इज़ लेस देन फाइव हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू चेंज हो जाएगी। और उसके बाद देन मैं स्वैपिंग कर दूंगा कंप्लीट, दोनों एलिमेंट्स को आपस में क्या कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा। जिस इंडेक्स पर मुझे मिनिमम एलिमेंट मिला था और जीरो इंडेक्स से, उन दोनों को आपस में स्वैप कर दिया। और फर्स्ट इटरेशन के बाद अब मेरा जो लिस्ट है वो इस रंग की दिख रही है मुझे। तो यहाँ ये जो पार्ट है, ये पार्ट अब मैं सॉर्टेड पार्ट मान लूँगा, और अनसॉर्टेड पार्ट मेरा वन इंडेक्स से लेकर फाइव इंडेक्स तक माना जाएगा। तो अब मुझे सेकेंड इटरेशन में इस अनसॉर्टेड पार्ट पर काम करना है, ठीक है, सॉर्टेड पार्ट को छोड़ देना है, ठीक। अब अनसॉर्टेड पार्ट में अब मान लीजिए कि ये मेरी लिस्ट हो गई है, ये हो गई है मेरी लिस्ट। तो अब लिस्ट में वही प्रोसेस करूँगा कि पहले एलिमेंट को मुझे क्या मानना है, मिनिमम मानना है, तो फाइव को अब मैं मिनिमम मानूंगा, और उसके बाद फाइव को सारे एलिमेंट से कंपेयर करूँगा, ठीक है। अगर उससे छोटा एलिमेंट कोई मिलता है तो उसको मिनिमम बना दूंगा, और फाइनली फिर उसको स्वैप कर दूंगा। तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो पूरा प्रोसेस वैसा का वैसा ही रहेगा। तो सेकंड केस में मुझे जब सेकंड इटरेशन हुआ तो टू और फाइव मिल गए मुझे सॉर्टेड पार्ट में। अब मेरी बची हुई लिस्ट को मैं पर वर्क करना है, मुझे इस अनशॉर्टेड पार्ट पर वर्क नहीं करना है, बल्कि अनशॉर्टेड पार्ट पर वर्क करना है। तो थर्ड इटरेशन मेरा वर्क करेगा टू इंडेक्स टू से लेकर फाइव तक, ठीक है। तो अब टू को मैं मिनिमम एलिमेंट मान लूँगा, ठीक है, टू को मिनिमम एलिमेंट मान लिया है। तो अब ये कंपेयर होगा बाकी सारे एलिमेंट्स से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर शो हो रहा है कि 12 में ये क्या हो रहा है, 12 जो है 17 से मिनिमम है, तो मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो अब फिर आपस में क्या करूँगा, इनको स्वैप कर दूँगा, टू को फाइव में और फाइव को टू में स्वैप कर दिया। और थर्ड इटरेशन के बाद मुझे एलिमेंट मिल गया आपका यहाँ पर 12। तो अब मेरा शॉर्टेड पार्ट में एलिमेंट आ गए हैं 2, 5 और 12, और अनशॉर्टेड पार्ट में आपके एलिमेंट हैं 37, 18 और 17। तो अब मेरी जो लिस्ट बची है, मुझे इसी लिस्ट पर वर्क करना है, 3, 4 और 5 इंडेक्स वाली लिस्ट पर, ठीक। तो अगले मैं आप 3 को मैं मिनिमम मानूंगा और उसको बाकी दो बचे हुए एलिमेंट से कंपेयर करूंगा। तो कंपेयर करने के बाद मैं देख रहा हूं कि 18 छोटा है इससे, तो मिनिमम की वैल्यू 18 होगी। अब 18 को 17 से कंपेयर किया तो वो फिर मिनिमम है, तो मिनिमम की वैल्यू 17 होगी, ठीक है। तो 17 को रिप्लेस कर दूंगा, अब स्वैप कर दूंगा 3 इंडेक्स से, और 3 इंडेक्स को रिप्लेस कर दूंगा 5 इंडेक्स से, ठीक है। तो 13 इधर चला जाएगा और 17 इधर आ जाएगा, और 37 लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से आपका ये शॉर्टेड पार्ट में आपका 17 भी ऐड हो गया। अब मेरी जो लिस्ट बची है केवल दो ही एलिमेंट उसमें बचे हैं, तो फिफ्थ इटरेशन में इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा आपस में। तो मिनिमम एलिमेंट मानूंगा मैं फोर्थ इंडेक्स वाले को, और फिफ्थ इंडेक्स पर 37 ने उससे कंपेयर किया, कोई चेंजेस नहीं होगा, तो मेरी लिस्ट में फोर्थ इंडेक्स पर 18 बना रहेगा। और फाइनली क्योंकि अब एक लास्ट ही एलिमेंट इसमें बचा हुआ है, तो 37 ऑलरेडी अपने प्लेस पर सेट हो जाएगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब आपने फिफ्थ इटरेशन में क्या कर लिया, पूरी आपकी लिस्ट को शॉर्ट कर दिया, क्योंकि जितने एलिमेंट थे उन सारे एलिमेंट को आपने कंपेयर किया, ठीक है। तो माना आपके 8 एलिमेंट थे, तो 8 एलिमेंट थे तो आपके कितने इटरेशन होंगे, 7 इटरेशन में आप इस पूरी प्रोसेस को कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मुझे समझाना था। फाइनली प्रोग्राम को एक बार और देख लीजिए आप, ये जो प्रोग्राम है ये डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रोग्राम है, क्योंकि हम यहाँ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे हम किसमें, असेंडिंग ऑर्डर वाला प्रोग्राम है, वो मैंने अभी आपको बताया है। तो आई होप आपको ये कंप्लीट प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे सिलेक्शन सॉर्ट की मदद से किसी अनसॉर्टेड लिस्ट को सॉर्ट करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।